वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, ठीक है, क्लास 10th का। और ये 11 से लेकर के इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले इसका जो भी बेसिक वीडियो था अगर उसको एक बार देख लेते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और तरीका बताया गया है, ट्रिक बताया गया है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। तो मिस कीजिएगा तो फंस जाइएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3, 15, 27, 39 ऐसे नंबर दे दिया गया। ये का है, एपी है। एपी कैसे पता चला है भाई, ये दिया है इसीलिए पता चला है। लेकिन जब ये घटाइएगा ना, 3 और 15 के बीच का गैपिंग देखिएगा, फिर 15 और 27 का तो बराबरे गैपिंग होगा, ठीक है। जितना यहाँ से यहाँ नंबर आने में जितना नंबर की जरूरत है, यहाँ भी वही है, सार्व अंतर यानी बीच का अंतर बराबर हो, उसे एपी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसका कौन सा पद, अब ये पता नहीं है, ऐसे डॉट डॉट दे दिया है, कह रहा कि इसका कोई पद है, पते नहीं कि कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म है। तो उस 54वें पद में 132 वो है, जो भी पद है ना लास्ट में यहाँ दे दिया है, यहाँ पे जो भी लिखा गया होगा इधर, ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा। तो 54वां पद में अगर 132 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ वाला नंबर मिल जाएगा, यानी कि 54वां पद यानी 154 में अगर 132 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ जो भी नंबर होगा तो उस नंबर को हम AN कहते हैं। क्या कहते हैं, AN मिल जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ A बराबर क्या है, पहला वाला नंबर 3। डी बराबर क्या है, तो 15 में से 3 घटा लो तो 15 में से 3 जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ AN का फॉर्मूला होता है A+N-1 और इंटू में डी। और यहाँ देखिए तो A 54 निकालना हो तो A में कौ गो 53 गो डी जोड़ दो, A को कम करके डी जोड़ दो, अब प्लस 132। A दिया है 3+N-1 और डी कितना दिया है, तो डी है 12। बराबर में यहाँ हो जाएगा A का मान 3+53 और डी कितना दिया है, तो यहाँ देख सकते हैं डी दिया है आपका कितना 12, अब प्लस में 132। ये पहले सॉल्व कर लीजिए, 3+ ये 12 में n से तो 12n-12 और ये 3+12 36 के 6 में 3 12+5=60 60 और 3 63, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 132। इधर जोड़िए इसको, 6 और 2 8, 8 और 3 11 के एक हाथ में 1, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1 7। और यहाँ देखिए 12 में से जब 3 घटाइएगा तो कितना बचेगा, जब 12 में से 3 घटाइएगा तो माइनस में 9 बचेगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 12n=771+9, 12n बराबर हो जाएगा कितना 780, ठीक है। ये घटाइए 12 से, कितना बार में कटेगा, 12×6=72 और 12×5 यहाँ पे हो जाएगा 12×6=72, 6×5 ठीक है 12×5=60, n बराबर कितना हो गया 65। वही बात है, यहाँ n बराबर क्या निकल गया, 65 निकलेगा। जब n का मान 65 निकल गया तो ये 65 नंबर पे आएगा, क्या होगा उसका कौन सा पद, n बराबर 65 आ गया, यानी कि 65वां पद जो भी होगा वो क्या होगा, 65वां पद यहाँ पे होगा, जो कि कितना होगा 154 में अगर 32 जोड़िएगा तो उतना आंसर आएगा। तो n बराबर 65वां पद, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है 2 समानांतर श्रेणी, मतलब AP जो देता है वो 2 ठो दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि एक AP हो गया है इधर, यहाँ कोई नंबर हो गया बहुत सारा लाइन से सजा हुआ, बीच का अंतर सबका बराबर होता है ना, सब जो डी होता है सब, ये भी एक AP है, ये AP है तो पहला वाला AP है, ये मान लीजिए कि कह रहा है 2 समानांतर श्रेणी तो 2 ठो AP मानिए, ये मान लीजिए कि दूसरा AP है, ठीक है, ये मान लीजिए कि सजा हुआ लाइन है, दूसरा AP है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो 2 AP दिया है इसका सार्व अंतर, दोनों का अंतर बराबर, जैसे मान लीजिए कि ये 3 है तो 3 के बाद 5 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, तो इसमें कितना का गैपिंग है, 2-2 का गैपिंग है कि नहीं, 2-2 का। अगर यहाँ लिखे हैं 2, 4, 6 तो यहाँ भी 2-2 का गैपिंग है, देखिए यहाँ पे 3, 5, 7, यहाँ पे 2, 4, 6, तो जब 2-2 का गैपिंग है तो वही बोला है कि 2 ठो AP दिया हुआ है,
ये भी एपी है और एक ए भी एपी है, आ दोनों का सार्व अंतर माने डी का वैल्यू यानी कि क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो कह रहा है आगे यदि इसके सौवे पद का अंतर, मान लीजिए कि पहला ये है, दूसरा तीसरा, ऐसे करते करते सौ नंबर पे कौन आएगा, यहाँ पे कितना नंबर पे आएगा, सौ नंबर पे, तो ये भी कितना आएगा, ये भी सौ नंबर पे आएगा। आई दोनों का अंतर, यहाँ पे जो नंबर है वो ए सौ, सौ नंबर पे हमको पता नहीं है इसका क्या रहेगा, और ये सौ नंबर पे नहीं पता है कि इसका क्या रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा उसका अंतर, अगर मान लीजिए यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, तो दोनों का अंतर को हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना है, सौ है, लेकिन हमको पते ना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, क्या ये भी सौ लिखा है, ये भी सौ, तो कुछ अलग लिखते हैं, ठीक है, ताकि पता चले हमको। तो यहाँ लिख देते हैं ये ए, बड़ा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बड़ा से, इसमें लिखते हैं बड़ा से ए, आ इसमें लिखते हैं ये छोटा, ठीक है। आई दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर सौ है, कितना है दोनों का अंतर, सौ, ध्यान से आपको समझ में आए। अब फिर कह रहे हैं चलिए इधर एक हजारवां पद, मतलब 1000 नंबर पे, एक नंबर पे है, दो नंबर पे है, तीन नंबर, ऐसे करते करते सौ नंबर पे है, दोनों सौ नंबर पे है, आई दोनों को घटाएंगे तो कितना आंसर है, सौ। अब कह रहा है अगर ये वाला भी 1000 नंबर पे कोई नंबर हो, आई इस लाइन में भी 1000 पे हो, तो उस दोनों का अंतर कितना होगा, उस दोनों में कितना का अंतर होगा, यही कह रहा है। तो सौवा पद तो निकल ना गया जी, सौवा पद तो निकल गया कि दोनों का अंतर कितना है, सौ है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं ए सौ माइनस ए सौ, ये दोनों का अंतर कितना है, सौ, दोनों का अंतर मतलब होता है घटाव कितना है, सौ है, इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो यहां देखिए लिखते हैं प्रथम एपी का, प्रथम एपी का प्रथम पद क्या मान लें हम, ए ही होता है, और दूसरे एपी का प्रथम पद इसको मान लीजिए कुछ जो मानना है, मान लीजिए एक काम करते हैं, ठीक है, इसको बड़ा ए मानते हैं और इसको छोटा ए मानते हैं, सही रहेगा, कन्फ्यूजन दूर रहेगा। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, सौ है, इसको हम साफ साफ पूर्ण रूप से यहाँ लिख देते हैं, ए सौ, ठीक, हाँ माइनस ए सौ, दोनों का अंतर कितना हो गया, सौ हो गया। अब देखिए ए सौ फॉर्मूला क्या होता है, जब यहाँ सौ है तो 99d होगा, तो a प्लस 99d, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, a प्लस 99d, अब माइनस यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 99d, ठीक है, बराबर में 100, यहाँ हो जाएगा a प्लस 99d अब माइनस a प्लस माइनस माइनस 99d, बराबर में कितना हो गया, 100। इससे दोनों ये खत्म हो गया, तो बच गया a माइनस ए बराबर 100, समीकरण एक मान लीजिए, ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यानी 1000 वाला पद पूछ रहा है, यानी ये भी लिख दो 1000 पूछ रहा है, 1000 इसका और 1000 छोटा वाले का, ये दोनों का अंतर क्या होगा, तो ये दोनों का अंतर नहीं पता है, तो ये दोनों का अंतर पूछा है क्या होगा, नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क। 1000 होगा तो क्या होगा, ए ए प्लस 99d हो जाएगा, 999d, आइए माइनस है तो माइनस, ये भी हो जाएगा ए प्लस 999d, यही ना है, और दोनों का अंतर पूछा है तो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए ए प्लस 999d माइनस ए, ये भी हो जाएगा माइनस में 999d, 999 से 999 खत्म हो गया, बच का गया a माइनस ए, ए माइनस ए, यही ना बचा। आप बताइए a माइनस ए का वैल्यू कितना है, 100, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, a माइनस ए बराबर कितना है, समीकरण एक से a माइनस ए बराबर कितना, 100 हो जाएगा। तो यानी कि जब 1000 वाला पद का, सॉरी, जब सौवा पद का बीच का अंतर कितना है, 100 है, तो 1000वां पद के बीच का अंतर 100 रहेगा, अंतर नहीं घटता है, बीच का अंतर सब उतना ही चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, यहाँ a माइनस ए बचा था, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, 100, तो इसका भी अंतर कितना होगा, 1000 वाला पद का अंतर भी 100 होगा और 100 वाला का अंतर भी क्या होगा, 100 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ समझिए क्या
क्वेश्चन कितना मजेदार, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है आपके एग्जाम में। छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बोलेगा एपी निकालिए, तो ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि तीन अंकों वाले यानी कि 3 डिजिट वाला जो नंबर होता है, ऐसा नंबर कितना होगा जो 7 से विभाजित होगा यानी 7 से भाग लग जाएगा। आप बताइए कि 3 अंक की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए जब हम पढ़ते हैं 91, 92, 93 तो देखना 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, यानी अभी तक 2 अंक था, ठीक है। इसके बाद से कितना अंक शुरू हो जाता है, 100 यानी 100 से 3 अंक शुरू होता है, ठीक है। और कहाँ तक होता है ये भी सुन लीजिए, तो 999 तक होता है, ठीक है, क्योंकि 999 3 गो अंक है, इसमें भी 3 गो अंक है, इससे छोटा कीजिएगा तो 99 हो जाता है, 99 होता है ना 100 के पहले, तो ये 2 अंक हो जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या पहले लिख देते हैं, 100 से लेकर के 101, 102, 103 सब होता है। और कहाँ तक होता है, 999 तक, क्योंकि 999 के आगे जाइएगा ना तो होता है 1000, तो इसमें 3 गो अंक नहीं है, इसमें 4 गो अंक हो गया है। अब कह रहा है कि इसके बीच में मान लीजिए कि यहाँ 101 हो जाता है, यहाँ 102 हो जाता है, ऐसे ही होता, सब 3 अंक हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच में कितना ऐसा संख्या है जो किससे कट जाएगा, 7 से भाग लेगा। तो कहा ऐसे चेक कीजिएगा, इसमें 7 से भाग लीजिएगा नहीं कटेगा, फिर इसमें चेक कीजिएगा फिर इसमें, अरे बाबा वो तो बहुत परेशानी हो जाएगा, ठीक है, वैसा नहीं करना है। एक उपाय बता रहे हैं, इसमें साइड में रफली वैसे बता दे रहे हैं 105 होगा जो 7 से कट जाएगा, आइए हो जाएगा 994, ठीक है, जो यहाँ तक कटेगा। अब इसके बीच में जो संख्या होगा निकाल लेना है, लेकिन एक और बात, ठीक है, ये 105 कैसे आएगा, 994 कैसे आएगा, ये 9 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा, इसमें 2 बचा, तो हो गया 29, 7 चौका 28, 7 दूना 14, ये कट जाएगा 142 बार में, ठीक है, तो यही संख्या होगा। आखिरकार हमको कैसे पता चला कि 105 होगा इसमें, 100 काहे नहीं हो सकता है, 100 सही में नहीं कटेगा, एक बार भाग दे के देखो। जब हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7 होगा, ये 3 हो गया 0, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 हो गया, 2 बचा, कितना हो गया यहाँ पे 2, क्या बचा, 2 बचा। आप बताइए यहाँ 7 है, 7 का पहाड़ा पड़ेगा, यहाँ क्या है, 2 है, यानी कि अगर यहाँ 7 रहता ना तो 7 एकम 7 आराम से कटा देते कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या है, 2 है। अगर कितना ज़्यादा नंबर रहता और 5 गो ज़्यादा इसमें रहता ना, तो 5 गो हुआ 2 गो, ये कितना हो जाता है, 7, यानी 5 गो नंबर की कमी है। अगर यहाँ पे 7 से कटाना हो, यहाँ 2 बचा है, तो अगर यहाँ पे और 5 गो एक्स्ट्रा नंबर रहता तो यहाँ 7 होता, क्योंकि 2 में 5 जुड़ेगा तो तब 7 एकम 7 कट जाता है। कितने नंबर की कमी है, 5 नंबर की कमी है, तो पहले से 100 है, अगर इसमें हम 5 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 105। अब इस नंबर को कटाओगे, 100 गो नंबर था तो 2 गो बच रहा था ना, अब इसमें और 5 जोड़ दीजिएगा तो 5 गो इसमें जुटेगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 कट जाते, यानी शुरुआत हो रहा है कितना से, ये आपका 105 से, ठीक है। यहाँ देखिए ये कैसे निकलेगा, 999, तो जब इसमें भाग दीजिएगा 7 से, 7 एकम 7 2 बचा 9 उतरेगा, 7 चौका 28, ठीक है, यहाँ 1 बचा कट गया, 7 दूना 14, 5 बचा कट गया। अब यहाँ देखिए इक्को एक्स्ट्रा हो रहा है, 5 गो, तो 999 है, 5 गो अधिक, 5 गो अगर हटा देंगे तो इसमें से 5 गो, यहाँ 5 गो नहीं रहेगा तो पूरा कट जाता कि नहीं, 7 से भाग लग जाता, 5 गो ज़्यादा हो रहा है तो इसमें से 5 गो घटा दीजिए, तो 5 गो घटेगा तो 994 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मिल गया 105 और ये मिल गया 994। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब कह रहा है 3 अंक की कौन कौन संख्या है, तो 100 से ले शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है कि 999 तक तो गया, लेकिन बीच में बोल दिया सब नंबर वाला लेना है, कौन कौन लेना है, जो 7 से कट जाए, तो पहला वाला कटा था 105, तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा कैसे, आप बताइए, A1 निकल गया, A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, A में 1 गो D जोड़ते हैं, या 2 गो है तो 1 गो D जोड़ दो, तो हो जाएगा 100,
अब प्लस, अब डी पूछोगे क्या है, अरे यार सात सात ना बढ़ेगा, सात के पहाड़ा में क्या होता है, अभी बताइए ना, सात का सात, सात दोनों चौदह, सात त्रिका इक्कीस, ये सब जो तो सात साते को ना बढ़ता है, यानी कि सात का अंतर होता है, तो सेवन हो जाएगा यहाँ पे कि ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हंड्रेड यहाँ पे हो जाएगा ए टू, ए कितना है 105, अब प्लस अगर D निकालना है तो D है 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5 12, 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112, दूसरा हो जाएगा 112 और डॉट डॉट करके हम 994 लिख दीजिएगा। कैसे 112 आया, बीच में D का वैल्यू 7 कैसे आया, आप बताइए कि जब आप कह रहा है कि 7 से विभाजित होगा, विभाजित का मतलब कि जब भाग देते हो तो पढ़े ना पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, 7 का 7, 7 दोनों 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, बताओ तो इसमें कितना कितना का अंतर हो रहा है, सब में 7 7 का अंतर है कि नहीं, तो 7 7 के अंतर, बीच के अंतर को ही तो डिस्क्रिमिनेंट यानी सॉरी बीच के अंतर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये विवेचक, यहां देखिए पहला हो जाएगा 105 और दूसरा हो जाएगा 994 ठीक है। अब देखिए यहां पे D निकालना है तो आगे वाला नंबर से घटाएंगे ना, आगे वाला नंबर ही ना पता है तो 7 जोड़ दो ना उसमें 105 आई हो जाएगा, 105 में जब 7 जोड़ोगे तो 112 दूसरा नंबर निकलेगा। अब ये 7 क्यों जोड़ रहे हैं तो आप बताइए, बोल रहा है कि ऐसा तीन अंक का संख्या बताइए जो 7 से कट जाए, तो जब 7 से भाग देते हैं तो 7 का पहाड़ा पढ़ते होंगे, 7 का 7, 7 दोनों 14, 7 तीन 21, 7 चौक 28, ऐसा पहाड़ा पढ़ते होंगे ना, तो बताइए ना कितना कितना का गैपिंग हो रहा है, 7 7 का गैपिंग है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे सार्व अंतर 7 होगा, तो 112 हमको दो गो पता हो गया काफ़ी है ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कौ गो संख्या है, यहाँ जो 7 से कट जाएगा इकरा बीच में कौ गो संख्या है, तो अगर निकाल ले कि है कौ नंबर पे आएगा n, तो समझ जाएगा सब निकल गया, हमको ये पता है a1 पता हो गया a2, लेकिन a ये नहीं पता है कितना नंबर है, तो n निकाल लिया, यही तो n निकालना है ठीक है। तो a बराबर हो गया 105 और d बराबर हो गया 7, घटा लीजिएगा तो 7 होगा, an बराबर हो गया 994, तो यहाँ से निकाल लीजिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन हो गया 994 प्लस ए कितना है, ए हो गया 105 प्लस एन माइनस वन और डी है आपका 7, 994 105 प्लस 7 एन माइनस 7, 994 बराबर 105 में से 7 जाएगा तो बचेगा 98 7n, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 994 यहाँ देखिए 994 हो जाएगा 105, 105 में से जब ये 7 घटाइए दीजिए तो 7 घटाइए तो ये बचेगा कितना 98 बचेगा, अब प्लस में 7n, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 994 बराबर माइनस 98 इज इक्वल टू 7n ठीक है। ये घटा के देख लीजिए कितना होगा, तो यहाँ पे 14 है, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये बचेगा 18 में से 9 जाएगा 9, आई हो जाएगा कितना 8 बराबर में 7n, यहाँ n का वैल्यू बट्टा में लिखिए 8 9 6 बट्टा में 7 बराबर में n, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 7 दूना 14 हो गया, 5 बचा 56 57 56 n बराबर 128, यानी कि 100 से लेकर के 999 के बीच में 128 को नंबर होगा ठीक है, जो किससे किससे कट जाएगा 7 से विभाजित हो जाएगा, तो लिखो 7 से विभाजित होने वाली कुल पदों की संख्या 128 है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा उलझाऊ था लेकिन सोचने पर ये पता चलेगा बहुत ही आसान है, यहाँ आप 101 होगा ऐसे ही हम सजाए हैं, लेकिन इसमें से ए और डी नहीं निकालना है, 7 से कटने वाला संख्या से ही निकालना है, इसीलिए हम इससे ढूंढेंगे ठीक है। इसको सजाए हैं तो ये भी एपी है, ये भी एपी है, इस वाले को एपी मत समझिएगा ठीक है, तो ये इसको हटा ही देते हैं ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो शेयर करते रहिए, और बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, ये यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन कुछ भारी नहीं है। ये कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 10 लिखा जाता है, फिर इसके पास 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14, 15, 16, ऐसे करते करते कहाँ तक लिखा गया है, 250 लिखा गया है। तो कह रहा है कि जब 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, माने 4 से कट जाने वाला क गो नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए तो 10 से 250 के बीच में कौन कौन नंबर कटेगा, ये दोनों तो कटेगा नहीं, एक ही कटेगा 12, फिर कौन कटेगा 16। अब ये आगे और लिखना पड़ेगा ना, और लास्ट में नंबर क्या है 250, तो 250 भी 4 से ना कटेगा, तो ओकरा पहले होता है 248, यानी 212 कटेगा, 14 कटेगा, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा 248 लास्ट कटेगा, क्योंकि 250 है, और नहीं तो इसके बाद 4 गो और तो 252 कटेगा, कितना कटेगा 252, यानी 4-4 का अंतराल हो रहा है यहाँ पे। गुणज वही तो कहते हैं ना जो 4 से कट जाए, तो 4 से कौन कटता है, 4 का पहाड़ा में जितना आ जाए, तो आप ये जानते हैं कि 4 का पहाड़ा 40 तक होता है, लेकिन ना बाबू 4 का टेबल 14 तक नहीं होता है। आगे अगर 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ते हैं तो 14 आता है, 11 बार पढ़िएगा तो 44 नहीं आएगा, इस हिसाब से आगे ये कटते रहता है। अब देखिए हमको एपी मिल गया, एपी क्या मिल गया, 12 मिल गया, 16 मिल गया, ऐसे करते करते ये हो गया है आपका ए बराबर 12। डी निकालना हो तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो डी बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, ये डी बराबर कितना 4 ही होगा, सबको जानता है 4 का ही अंतराल होगा क्योंकि 4 का पहाड़ा है। तो अब देखिए लास्ट वाले नंबर को ए एन कहते हैं, या फिर एल कहते हैं, या फिर अंतिम पद कहते हैं, अंतिम में ना है तो अंतिम पद। अभी आपके कभी किताब में क्वेश्चन ऐसे दे दे कि अंतिम पद कुछ दिया है तो समझिएगा ए एन दिया है, लास्ट वाला नंबर, ये बताए थे कि अंतिम क्यों होता है, ठीक है। ए एन बराबर कितना दिया है 248, अब कह रहा है कि 12 से लेकर 248 सब मिला के क गो संख्या है, यहाँ पे बोला है कि कितने गुणज होंगे। तो देखिए हाई तो एक नंबर पे है तो A1 बोलते हो, ये दो नंबर पे है तो A2 बोलते हो, ऐसे ही तीन नंबर पे जो होगा तो A3, लेकिन डॉट डॉट करो यार, ये कितना नंबर पे है, अब काउंट करके पता लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए नहीं पता चल रहा है जल्दी, इसीलिए ए और नहीं पता है तो एन डाल दिए, एन नंबर पे है, कितना नंबर पे एन, तो एन पता चल गया। अब ए एन पता चल गया, निकालना है एन, यही एन निकालना है कि जब यहाँ दो डाले हैं तो यहाँ कितना डालें कि 248 नंबर पे काउंट होगा, जैसे ये दो नंबर पे है, एक दो, तो ये कितना नंबर पे है, तो एन निकालना है, ठीक है। अब फिर आपको इसके जरिए जब पता चल गया तो एक चीज और ध्यान से सुनिए, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हमारे दिमाग में यही नहीं आता है, तो जो दिया रहता है ना, अभी आगे की एक्सरसाइज में हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि आखिरकार कौन सा फॉर्मूला कब, इस बच्चे किस कंफ्यूजन में आ जाते हैं, टीचर लोग तो बना देते हैं, सर लोग बना देते हैं कि कोई भी फॉर्मूला ला के वो बना दिए, डाउट में ही फोन जाता है कि ये सर जी जो है आखिर यही फॉर्मूला क्यों लगा है, ये हमेशा के लिए डाउट होता है। तो इसी डाउट को आप दूर कीजिए, यहाँ जो दिया रहता है ना, देखिए जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आखिरकार ये निकालना है तो हम यही ना लगाएंगे, आप बताइए ना एन का कौन सा फॉर्मूला होता है, इसीलिए ए एन का होता है और ये दिया भी ए एन कितना है, तो जो दिया है पहले वही लगाना है। ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन कितना दिया है, तो ए एन दिया है 248, अब पता करना है कौन नंबर पे आएगा, ए ए दिया है आपका पहला वाला 12 प्लस एन माइनस वन, ये तो पता ना है कि कितना नंबर पे है, और डी दिया है आपका 4, तो 248 बराबर 12 प्लस ये हो जाएगा 4n माइनस 4, समझ में आया। अब यहां देखिए 248 बराबर 12 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 8 प्लस 4n, ये देखिए एक जात को एक जगह भेजिए, ये 8 को नंबर के पास भेजिए, तो ये इधर आ जाएगा 248 माइनस में 8 बराबर में 4n, ये घटाइएगा तो हो जाएगा 240 बराबर में 4n, इसको कटा दीजिए, कटाइएगा तो हो जाएगा 4×6=24, 0 उतार दीजिए, n बराबर 60, यानी n बराबर कितना है 60, तो यहाँ n है ना, अगर मिटा के यहाँ 60 भरेगा तो ये 60 नंबर पे 248 आएगा, यानी कि 100 और 200 के बीच में
चार से कट जाने वाला 60 वो नंबर है, जो कि एक नंबर ये, दो नंबर है, ऐसे करके ये 60, जिस पर 248 आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत आसान था, ठीक है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो लेट क्यों करें, बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह रहा है, यहाँ अजीब सा थोड़ा सा दिखा है लेकिन है बहुत आसान, इनके किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी, यहाँ दो गो एपी दिया गया, यानी समानांतर श्रेणी तो आपको बता चुके हैं क्या कैसे पहचानेंगे, अगर बीच वाला यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बीच का अंतर बराबर हो तो आप बताइए ना, 63 से 65 जाना हो तो दो गो नंबर चाहिए कि नहीं, 63 64 65 और 65 से 67 चाहिए तो इसमें भी दो गो चाहिए, यानी बीच का अंतर जिसका बराबर होता है उसे एपी कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ दो गो एपी दिया गया है, ये भी एक एपी है, इसके भी बीच का अंतर बराबर है, इसके भी बीच का अंतर बराबर है, लेकिन कह रहा है कि ये दोनों एपी में एन एनवे पद बराबर होंगे। अच्छा, कौन ऐसा नंबर आया कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, समझिए ध्यान से। अगर हम बोले कि ये दो गो एपी है, दो का दो, दो दूना चार, दो तीन छः, दो चौका आठ, ऐसे हो गया, और यहाँ लिख रहे हैं तीन का तीन का तीन, तीन दूना छः, तीन त्रिका नौ, तीन चौका बारह, ऐसे कुछ नंबर दे दे रहा है। अब बोलेंगे कि एपी के किस मान के लिए, अब यहाँ जो ये दोनों दिया है एपी, तो एपी में कहीं ना कहीं इसमें का एगो संख्या, और कहीं ना कहीं ये तो बढ़ते जा रहा है, ये वाला का और ये भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जा करके एपी आपस में बराबर हो जाएगा, तो वो कितने नंबर पे होगा, एनवा पद, एनवा पद का मतलब ए एन वहाँ कौन होगा कि वहाँ दोनों जा करके आपस में बराबर हो जाएगा, तो ए एन आपका वहाँ पे निकाल देना है, दोनों कब जाके बराबर होगा। तो इसका भी ए एन निकालिए, इसका भी ए एन निकालिए, और दोनों को बराबर कीजिए, कह रहा है इसका एनवा पद बराबर होना चाहिए, मतलब ए एन बराबर ए एन होना चाहिए, आखिर ये कब दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो पहला वाले के लिए ए एन कैसे निकालिएगा, तो ए बराबर का दिया है, ए बराबर दिया है 63, डी बराबर का दिया है, तो यहाँ देखिएगा गौर से, 65 में से 63 जाएगा तो 2, ठीक है, ये हमारा एगो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए एपी निकालिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इसके लिए हम एपी निकाल रहे हैं तो इसके लिए ए क्या है, यहाँ लिख देते हैं एपी बराबर 63 65 67 डॉट डॉट दे दे रहे हैं। दूसरा जो है 3 है, 10 है और 17 है, इसके लिए ए बराबर क्या हो जाएगा 3, डी बराबर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7, इसके लिए भी आप ए एन निकालिए। दोनों का ए एन कह रहा है कि बराबर होगा, कितने नंबर पे बराबर होगा, यानी दोनों में एन का मान निकालना है, यानी कि ए एन बराबर होगा ए एन, पहला वाला का ए एन निकालिए, फॉर्मूला तो वही होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर होगा। अब यहाँ ए क्या है, तो ए है यहाँ पे 63 प्लस एन नहीं पता है छोड़ दो, 1 भी हटाओ, और डी कितना पता है तो डी है 2, तो हो जाएगा 63 प्लस 2 में एन से तो 2n माइनस 2 1 जा 2। आपको एक चीज़ बता दें कि ब्रैकेट के साइड में जो भी चीज़ें रहती हैं, कोई संख्या हो चाहे कोई भी चिन्ह यानी सिंबल प्लस माइनस हो, अंदरवा वाला में गुणा होता है, तो ये 2 है तो 2 में एन से गुणा किए, 2 में 1 से तो 2 हो गया, ये यहाँ आप बनाइए। इसका ए क्या है, तो ये है 3 प्लस, ये बोला है दोनों एनवा पद क्या होना चाहिए बराबर, इसीलिए हम एनवा पद निकाले हैं, ऐसा नहीं ना कि हम दो है तो दूसरा पद निकाले हैं, एनवा पद तो एन दोनों को बराबर कर दिए हैं, ये एन माइनस वन, और डी कितना है तो इसके लिए डी है 7, 3 प्लस 7 1 जा 7 एन हो जाए, मतलब एन हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 63 प्लस, यहाँ देखो 63 में से 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 5 हो, 7 में से 3 जाएगा 4 होगा, लेकिन किस में होगा माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में, आप प्लस 7n, एक जात को एक जगह भेजिए, नंबर को नंबर के पास और n वाले हिस्सा को n वाले के पास, तो माइनस में 4 है इधर आया तो प्लस में 4, 61 प्लस 4, यहाँ बचा 7n, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2n, ठीक है, 61 और 4 कितना होता है 65 होता है, अब बराबर में हो गया ये 5n, कटाइएगा 5 से तो हो जाएगा 13, ये n बराबर क्या हो जाएगा, तो n बराबर आपका आ गया 13, यानी कि इसका भी 13वां पद निकालिए, इसका भी 13 नंबर पे, ए 13 इसका भी और ए 13 इसका भी, तो दोनों का 13वां पद आपस में इक्वल हो सकता है। आपको अगर निकाल के चेक करना है तो लिख लीजिए ना यहाँ पे ए 13, फॉर्मूला शॉर्टकट क्या होता है,
ए प्लस 12 डी, ए का मान कितना है 63, अब प्लस 12 डी का मान, डी का मान घटाए हो तो आया है 2, तो हो जाएगा 63 प्लस 12 दूना 24, 4 3 7 8 2 कितना, 6 2 कितना 8, 67 आया इसका 13वां पद, इसका इसका भी 13वां पद उतना ही आएगा। देखिए कैसे ए बराबर ये भी कितना है 3 है और डी बराबर ये है 7, तो ए 13वां निकालिएगा तो हो जाएगा ए प्लस 12 डी, ठीक है, ए कितना है 3 और प्लस 12 डी का मान कितना है 7, 3 प्लस 12 सत्ते 84, 84 और 3 कितना होता है तो 84 और 3 87 होता है, तो इसका भी 13 नंबर पे उतना ही आया और इसका भी 13, यानी दोनों का 13वां पद ही आपस में बराबर होगा, इसीलिए आपको यहाँ तक बनाना है n बराबर 13। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपको मज़ेदार लगा हो, बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत आसान है, ठीक है, वह एपी ज्ञात कीजिए। ले भाई अभी पता है क्या बोला है, एपी निकालने को बोला है, लग रहा है कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया है, एपी का मतलब ऐसा नंबर, ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज दे दिया है यहाँ पे। अब बोला है अपने से एपी सजाइए, तो पहला नंबर में ए होता है A1, दूसरा नंबर में A2, तीसरा नंबर में A3, तो खुद से बोल रहा है कि कोई एपी बताइए, क्या बताइए, एपी आप ज्ञात कीजिए, तो एपी कैसे निकालिएगा, पहले क्या होता है ए, उसके बाद से माने A1, उसके बाद क्या होता है A2 होता है, उसके बाद क्या होता है A3 होता है, तो ऐसे ही निकाल देना है आपको AP, यानी पहला वाला अगर A1 होता है तो उसे A कहते हैं, आ A2 कैसे मिलता है, तो है A में D को जोड़िएगा तब जाके A2 मिलता है, यानी A में D को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद से A3 कैसे मिलता है, तो A में A को D, A को D, दो को D को जोड़ना पड़ेगा, A में दो को D को जोड़िएगा तब ना यहाँ पहुँचिएगा, तो 2D, उसी तरह यहाँ पे ए प्लस 3D, यही चीज़ निकालना है आपको। अब आप सोच के देखिए कि अगर ये AP आपको निकालना है तो आपको A भी पता होना चाहिए और D भी पता होना चाहिए, तब तो यहाँ पे नंबर निकलेगा, तो इसी आगे वाला यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया वहाँ से A और D हम लोग पता करेंगे, तब जाके AP में ले जाके भर के निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जिसका तीसरा पद 3 नंबर वाला दे दिया है, तीसरा पद A3 उसको बोलते हैं, तीसरा पद कितना है 16 है, और उसका सातवां पद A7 कितना दिया है, तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद कैसे निकलेगा, जब आप पांचवें पद में 7 को अधिक कर दीजिएगा, ज़्यादा कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, माने पांचवें पद में 7 अधिक करने से सातवां पद निकल जाता है, ठीक है, यही दिया है और उस हिसाब से हमको ए और डी निकाल लेना है। चलिए ये सातवां पद से पहले हम निकालते हैं, ए सातवां पद निकालना है तो लिख सकते हैं ए प्लस 6D, क्योंकि 7 नंबर पर जाना है तो ए में 6 को जोड़िएगा तब 7 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस 6D, 5 कितना है नहीं पता है तो ए प्लस 4D, अब प्लस 7 है तो 7, ये आपको बता चुके हैं शुरू शुरू में ही ट्रिक इसका, एक जात को एक जगह कीजिए, ए को ए के पास भेजिए, डी को डी के पास, तो एक काम करते हैं ये दोनों को उठा के इधर ला लेते हैं, क्योंकि ABCD का ये दोनों हिस्सा है, इसमें ABCD का हिस्सा है लेकिन है नंबर है बेचारा, इसका जात कोई है ही नहीं, इधर लाइएगा तो हो जाएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D, सिंबल बदल गया, बराबर में 7, A से A खत्म, 6D में से कितना जाएगा आपका 4D जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2D, अब बराबर में ये हो जाएगा 7। यहाँ दूसरा कह रहा है कि उसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां पद अगर निकालना है तो पांचवां पद से कौ गो अधिक है, 12 को ज़्यादा कर दीजिएगा तो सातवां पद निकल जाएगा, आइए तो भरना जानते हैं, सातवां पद 7 बोले तो डी कौ होना चाहिए 6D, ए गो कम इससे डी होना चाहिए, क्योंकि ए गो तो पता है यहाँ से 7 नंबर पर जाना है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 डी जाइएगा तो 7 नंबर पर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 नंबर पर जाना है ना तो 3 डी जाइए, 1D 2D 3D, तो 3D जा रहा है तब 4 नंबर आ जा रहा है, तो 7 जाना होगा तो 6 तक ही जाना पड़ेगा, A5 हो जाएगा A प्लस 4D, अब प्लस में 12, इधर एक कास्ट को एक जगह कीजिए, एक कास्ट का मतलब ABCD वाले हिस्सा को एक तरफ और नंबर वाला हिस्सा एक तरफ, तो बेचारा इसका कोई जात नहीं है, तो ये दोनों को इधर लाओ अकेले छोड़ो, A प्लस 6D माइनस A प्लस माइनस 4D बराबर 12,
ये ए से ए माइनस प्लस खत्म हो गया, 6d में से 4d जाएगा तो 2 डी बचा, बराबर में बचा 12, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 6 हो जाएगा, d बराबर कितना आ गया, d बराबर आपका आ गया 6। जब d बराबर 6 है तो हमको d मिल गया, अब a नहीं पता है, तो जब a नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, d का मान किसी समीकरण में रख देंगे तो निकल जाएगा। तो एक काम ना करते हैं, ये दिया है ना पहले तीसरा पद 16, तो तीसरा पद जब 16 दिया है तो तीसरा पद का फॉर्मूला का होता है, तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तीसरा पद कितना है 16 बराबर a प्लस 2d, ठीक है, 16 बराबर a प्लस 2, d का मान कितना आया है 6 आया है, ठीक है, तो 16 बराबर a प्लस 6 दुना 12, प्लस में है ना आएगा तो माइनस में, 16 माइनस 12 ये हो जाएगा a, a बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो जब a निकल ही गया यहाँ पे, ये आपका a, और d निकल ही गया, तो अब मुहूर्त का इंतजार हम लोग क्यों करें, अब AP निकालना है ना, लाइन से सजा हुआ, तो a कितना है, a आपका 4 है, तो पहला वाला में क्या भर दिए, यहाँ लिखिएगा AP बराबर पहला 4 हो गया कमा, यहाँ देखिए दूसरा नंबर में a भरिएगा जब 4 प्लस d भरिएगा 6, तो 6 × 4 कितना हो गया 10, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भरना होगा, तो a बराबर 4 प्लस 2, d का मान 6, तो 6 दुना 12, 12 × 4 कितना हो गया 16, यानी कि d कितना है 6, तो ये 6 को बढ़ रहा है कि नहीं, तो 2-4 को और ही लिख दीजिए, 16 में फिर 6 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, यही आपका AP हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, लगा हो मज़ेदार तो शेयर भी ज़्यादा कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में हर एक स्टूडेंट का नंबर बेहतर आए और अपना बिहार खूब आगे जाए, ताकि बिहार को कोई फिर से पिछड़ा राज्य नहीं कहे। तो फिर बिना देर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इस 17 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक थोड़ा सा आपको बेसिक समझाते हैं, थोड़ा सा जो आप पीछे पढ़े हैं वो समझाते हैं, यहाँ समझिए ये क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है, कह रहा है 3 है 8 है 13 है, एक एपी है, क्योंकि देखिए बीच का डी बराबर होगा तभी ये एपी दिया है, कहाँ तक लिखा है 253 तक। अब क्या कह रहा है कि अंतिम पद से माने पीछे से लास्ट वाले से 20 नंबर पे क्या होगा वो बताइए, यानी 20वां पद निकालना है आपसे। हम बोले कि ये 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, अब बोले लास्ट से 4 नंबर पे क्या होगा, तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 नंबर पे होगा कौन सा, A4 आपका होगा 4, लेकिन इधर से 4 नंबर पे बोलेंगे तो 1 2 3 4 8 बोलिएगा, तो अंतर दोनों आंसर अलग अलग आ रहा है कि नहीं, तो इस बार मामला पलट गया है, मामला गड़बड़ हो गया है, इस बार इधर से 20 नंबर पे बोलता तब तो आसान था, A20 निकाल दिए, पीछे से 20 नंबर पे बोला है, तो तनी ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये दो तरीका से बन सकता है, एक क्या इसको पलट देंगे, यानी इसको इधर ला देंगे इसको इधर, तो यहाँ पर ये वाला अब ए हो जाएगा, फिर ऐसे डी इधर आगे वाला फिर नंबर लिखेंगे या घटाएंगे तो ए डी ऐसे निकलेगा, लेकिन उतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ समझिए जब हमारे पास ये ए पता रहता है तो आगे बढ़ने के लिए ए में डी जोड़ देते हैं, ठीक, फिर ये क्या होता है डी जुटता है, माने डी को जोड़ते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लास्ट वाला नंबर हमारा क्या होता है ए एन है, अगर पता है कि कौन नंबर पे है 1 2 3 4 5 तो एन ना लिख के यहाँ क्या लिख देते हैं 5, समझिएगा इस बात को ध्यान से। आप बताइए कि 5 नंबर पे ये आ गया 10, सब में क्या जोड़े हैं हम डी जोड़े हैं, ए प्लस डी, ए प्लस यहाँ 2d जोड़ देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है ए ए प्लस डी ए प्लस 2d, क्योंकि यहाँ से 2d जा रहा है, ठीक है, यहाँ अगर निकालना हो तो कौ डी 1 2 3 डी जोड़ना पड़ रहा है, तो a में 3d, a में कितना d a प्लस 3d, ठीक है, फिर ये लाना होगा तो a में कौ डी 4d, हम आपको बता चुके हैं घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ 4d क्यों ऐसा करते हैं तो ध्यान से सुनिए, a तो एगो पहले ही से है, यहाँ से क कदम चलना है तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 कदम पर 4 डेग पर मिल जा रहा है ए से, तो ए से 4 गो डेग करेंगे तो हमारा 5वां नंबर मिल जाएगा, यानी आगे बढ़ रहे हैं तो बार बार ओ में डी जोड़ रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, किस में जोड़ रहे हैं ए में जोड़ रहे हैं। अब हमको एक बात बताइए, फिर आपको ए तक आना है, आप यहाँ खड़े हैं तो आप यहाँ से पीछे डेग करेंगे कि नहीं, तो फिर आप आ जाएंगे कि नहीं ए पर, ध्यान से समझिएगा, जब आप पीछे ऐसे आएंगे तो आप आ जाएंगे, इसका मतलब आगे बढ़ना था तो हम ये क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे ए में,
ठीक है। अब हम कहाँ पे अभी खड़े हैं, ए एन में, एन पर खड़े हैं ना, लास्ट वाले नंबर को ए एन कहते हैं, ठीक है, यानी पांच नंबर पे हैं, और इधर से पीछे जाना है। तो अब बताइए कि ए एन है तो ए एन में जोड़ोगे तो कुछ नहीं, अगर जोड़ोगे कोई नंबर तो आगे बढ़ोगे, जोड़ने पर लोग कहाँ बढ़ते हैं आगे, पैसा आपके पास 50 रुपया है, आगे बढ़ेगा 60 रुपया हो जाएगा, तो आप आगे ना बढ़ गए, पीछे तो नहीं है ना। उस हिसाब से अगर आपको पीछे जाना है, लास्ट वाले नंबर को हम लोग ए एन कहते हैं, आई कह रहा है कि अंतिम से पीछे चलिए, तो पीछे चलिए तो ए एन में आप जोड़ेंगे नहीं, एन में क्या करेंगे, पीछे चल रहे हैं तो घटाएंगे, क्या घटाएंगे, तो वही वाला नंबर घटाएंगे जो हम पहले लिखते थे एन माइनस वन इंटू डी, यानी हम घटाएंगे क्या, डी घटाएंगे। उस फॉर्मूला में क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, माने हाई वाला नंबर वह ए में जोड़ रहे थे, आखिरकार कहा ये सब चीज़ें ए में जोड़ रहे थे, क्योंकि हमको आगे का निकालना था, ए चार निकालना था, ए पाँच निकालना था, ए छः निकालना था, इसीलिए ए में ही जोड़ रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि लास्ट वाले नंबर से पीछे भागना है, तो इसमें अब जोड़ेंगे नहीं, यहीं से पीछे घटाएंगे या घटाएंगे यही चीज़, क्योंकि इसको डी बोलते हैं, पूरा क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, इसीलिए आएंगे। तो यहां पे हम लोग करेंगे क्या, इन द सेंस समझाने का मतलब है कि अगर हमको 20वां पद निकालना है, क्या निकालना, अंतिम पद से 20 नंबर पे निकालना है, तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, पीछे आना है ना, तो यहां से घटाना है, तो ए एन से घटाएंगे ए माइनस एन माइनस वन इंटू डी घटाएंगे, ठीक है, ये वाला हम लोग काम करेंगे। अब a बराबर क्या होगा, तो a बराबर फिर यही रहेगा, हम ये नहीं कह रहे a चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ d क्या होगा, तो d ऐसे घटा के चेक कर लीजिए, d बराबर होता है 8 माइनस 3, तो d बराबर 8 माइनस 3 जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सिर्फ d की ज़रूरत है। a n कितना है, 253 है, माइनस एन, एन आपका कितना है 20 नंबर पे है, माइनस वन, और डी आपका 5 है, तो ये हो जाएगा 253 माइनस 20 में से एक जाएगा तो बचेगा 19 गुणे 5, अब ये हो जाएगा आपका कितना, 253 माइनस 19 पचे 95 होता है, ये हो जाएगा 13 में से जब आप 5 घटाइएगा तो 8 बचेगा, और ये 14 में से 9 जाएगा 5, ये हो जाएगा एक, मिला जुला के आपका पूरा करेक्ट आंसर 158, यानी पीछे से 20वां पद कितना आएगा, 158 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतना जो आपको उलझाऊ और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया था क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देर नहीं किया, बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, आसान है, कह रहा है कोई एपी है, चलिए भाई एपी तो लाइन से सजा होता है, उसे भी कहते हैं, तो 4 नंबर यानी चौथा पद और 8 नंबर आठवां पद, वहाँ जो भी दोनों जगह संख्या है वो दोनों को अगर आप जोड़ रहे हैं तो कितना आता है, 24 आता है। मतलब कि एपी का अगर ए 4 नंबर को जोड़िएगा और ए 8 नंबर को जोड़िएगा तो दोनों को मिला के कितना आता है, 24 आता है। पहला नंबर ये बात बोल दिया। दूसरा बात बोल रहा है कि छठा और दसवें पद यानी 6th टर्म और 10th टर्म को जोड़िएगा तो 44 आता है, यानी कि ए 6 नंबर पे जोड़िए और ए कितना नंबर पे जोड़िए, 8 नंबर पे जोड़िए, ए 10 नंबर पे, तो कितना आता है, 44 आता है। समीकरण एक ये मानिए, समीकरण दो ये मानिए, पहले इसको हम लोग बना लें, फिर हम लोग कह रहे हैं आगे कि फिर जो एपी आएगा ना, तो बताइए कि एपी का पहला नंबर यानी प्रथम तीन यानी शुरू से तीनों पदों का नामवा लिख देना है कि एक नंबर पे क्या होगा, दो नंबर पे क्या होगा, तीन नंबर पे। उसके लिए हमको हमेशा याद रखो ए निकालना पड़ेगा और डी निकालना पड़ेगा, जब तक ये नहीं निकलेगा कोई फायदा नहीं है एपी पढ़ने से, ए और डी पता होना चाहिए, यानी पहला वाला और जिससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो डी के सहारे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमेशा डी जोड़ते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, तो पहले ये दोनों पदों का योग कितना है, ये वाला हटाते हैं और इसको पहले बताते हैं, समीकरण एक माने इसको, चौथा और आठवां पदों का योग 24 है। चौथा पद कैसे निकलेगा, ए में कौ गो जोड़ना पड़ेगा, 3 गो डी, आठवां पद ए में 7 गो डी जोड़ना पड़ेगा, बराबर में 24, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए और ए कितना है, 2a प्लस 7d और 3d 10d, बराबर यहाँ लिख देते हैं हम 24। अब मान लेते हैं इसको समीकरण एक, ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा हो गया। छठा और दसवां पद तो ए 6, फिर यहाँ लिखना, फिर ए 6 प्लस ए 10, ये दोनों को मिला के कितना है,
44 आ रहा है। छठा पद निकलता है a प्लस सिक्स है तो 5d हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर चले तो, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 90 इज इक्वल टू 44। एक a एर एक a कितना a 2a और 9 और 5 कितना होता है 14 गो डी अब बराबर में 44 समीकरण 2। आइए एगो चीज़ एपी में रटिए लीजिए, वो क्या है हमेशा ए वाला हिस्सा कट जाता है। आप बताइए कि समीकरण एक में से एकरा को घटाएंगे दो को तो दो में से दो घटेगा तो खत जीरो हो जाएगा, अब बाद में ये घटा के हम आंसर ला लेंगे डी का मान निकल जाएगा, और डी और ए अगर निकल जाता है ठीक है तब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ठीक है। तो समीकरण एक में से दो को घटाओ चाहे दो में से एक को घटाओ, समीकरण एक में से दो को घटाने पर ठीक है। समीकरण एक क्या है तो समीकरण एक है 2a प्लस 10d बराबर 24। समीकरण दो क्या है 2a प्लस 14d बराबर में 44। घटाइए, घटाते हैं तो सिंबल बदल दो सबका, आखिर घटाना ही है खत्म हो जाएगा। इसमें से ये नहीं घटेगा तो 14 में से 10 घटेगा तो माइनस में ना आखिरकार 4 होगा, चाहे सिंबल से समझिए चाहे ऐसे ही डायरेक्ट समझिए। 44 में से अगर 24 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20, ये भी माइनस में 4 × 5 = 20, मतलब डी बराबर कितना आया 5 आ गया 4 × 5 = 20 ठीक है। जब डी बराबर 5 आ गया तो डी का मान किसी में ले जाके भर दीजिए ठीक है। तो डी का मान एगो निकल गया 5, अब ए का मान निकालना है ना, तो देखिए डी का मान समीकरण एक में भरो, डी का मान यानी पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, डी का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है। यहाँ पे देखिए तो समीकरण एक है 2a प्लस 10d बराबर में 24, 2a a नहीं पता है छोड़ दो 10, और d का मान कितना है तो d का मान 5 है तो d का मान 5 भर दो बराबर 24। 2a प्लस 10 पर से कितना हो जाएगा 50 बराबर 24, 2a बराबर नंबर को नंबर के पास 24 माइनस 50, 2a बराबर जब 24 में से 50 घटाएगा तो 26 बचेगा, और यहाँ पे माइनस में 26 और कटाएगा तो कितना हो जाएगा 13, a बराबर माइनस 13, 13 × 26 ए भी निकल गया। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, कह रहा है प्रथम एपी के 3 गो पद निकाल देना। प्रथम माने होता है प्रथम माने पहला से लेके या 3 गो, तो पहला नंबर में तो ए होता है, दूसरा नंबर में क्या होता है डी होता है, और तीसरा नंबर में क्या होता है तो ए प्लस 2d होता है, यही तो होता है ना। तो 3 गो एपी का पद, एपी का ये 3 गो पद बोला है निकाल देने के लिए, तो ए आ गया माइनस 13, ए माइनस 13 प्लस डी कितना आया है तो डी आया है 5, 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा तो 13 में से आपका 5 घटेगा तो 8 होगा माइनस में ठीक है। अब यहाँ देखिए ए कितना है तो माइनस में 13 और प्लस 2, डी का मान कितना है तो 5 है तो डी 5 × 2 कितना हो गया 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 5 × 2 = 10, ये घटेगा तो कितना होगा तो माइनस में 3। तो यहाँ देखिए पहला वाला माइनस 13, दूसरा वाला माइनस 8 और तीसरा वाला माइनस 5, तो यही आपका 3 गो एपी हो गया। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एपी बराबर इतना इतना और इतना, ये 3 टो हमको मिल गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर हम लोग बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कितना मज़ेदार है, देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्यारा क्वेश्चन है। सुबा राव जी एक आदमी है, बेचारे बहुत मेहनती आदमी है, नाम से पता चल रहा है। 1995 में इनका 5,000 रुपया महीना था, यानी मासिक वेतन था, बेचारे कार्य कर रहे हैं तो 1995 में ज्वाइनिंग किए होंगे, कोई ड्यूटी कर रहे होंगे, तो उनका पेमेंट कितना था शुरू में 5,000 रुपया था ठीक है। अब समझिएगा, और कह रहा है कि प्रत्येक साल 200 रुपया बढ़ रहा है। 1995 में वो शुरू किए हैं काम करना, कब शुरू किए हैं 1995 में, ध्यान से समझना है ठीक है। उस समय कितना पेमेंट था 5,000, और फिर हर साल 200 बढ़ रहा है, तो आज 5,000 है तो कल 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5,200 हो जाएगा अगले साल ठीक है। उसके अगले साल कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा, उसके अगले साल कितना हो जाएगा 5,000 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि कह रहा है कि उनका पेमेंट कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, तो बताइए ना कि जब 7,000 हो जाएगा तो कितना साल पर 7,000 होगा, यानी कि एक नंबर में तो 5,000, दो नंबर में 5,200, 5,400, तो भाई 7,000 कितना नंबर पे आएगा, कौन साल पे 7,000 होगा, ये हर साल बढ़ रहा है, एक एक साल में बढ़ रहा है।
तो हम लोग चेक करते हैं कि 7000 रुपया कब होगा उसके पास, यानी एन निकालते हैं। हमको ए पता है, ए बराबर कितना पता है 5000, डी बराबर हर साल ककर रुपया बढ़ रहा है उसी को तो डी कहते हैं ना, तो 200 रुपया घटा के देख लीजिएगा वो भी हो जाएगा 200। और लास्ट वाला 7000 बढ़ रहा है तो लास्ट वाला ए एन है। अब यही नहीं पता है कि 7000 कब बढ़ेगा, एन का मान निकालना है तो एन बराबर नहीं पता है। तो एक काम करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का, तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर 7000 रुपया है, बढ़ गया है। ए बराबर 5000 रुपया शुरू में था, प्लस एन माइनस वन, और डी का मान 200 रुपया हर एक साल बढ़ रहा है, ये 5000 हो जाएगा। 7000 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 5000 प्लस 200 में एन से तो हो जाएगा 200 एन, अब माइनस 200 में एक से तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम एक जात को एक जगह भेजते हैं या पहले इसको घटा लेते हैं, तो हो जाएगा ये 7000 बराबर 5000 में से 200 चला जाएगा तो 4800 बचेगा, अब बराबर में यहाँ प्लस में बचेगा 200 एन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7000 माइनस 4800 बराबर में 200 एन। घटाइएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 में से जब 8 जाएगा तो बचेगा आपका 2, और ये 6 में से 4 जाएगा तो कितना 6 है, 6 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 बराबर में यहाँ 200 एन। यहाँ देखिए 20 से 20 ख़त्म हो गया, ये कट जाएगा 11 बार में, यानी कि एन बराबर कितना हो गया 11। अब यहाँ मान लीजिए कि 1995 में स्टार्टिंग की है, तो 1995 में ये कमा रहे हैं कितना 5000 रुपया, फिर अगली बार 1996 में ये क्या कर लिए 200 रुपया बढ़ गया इनका, कितना 1996 में हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है। कभी ना कभी ऐसा समय आया है कि उनका पेमेंट 7000 हो गया था। अब बताइए तो 7000 कब हो गया था, 11 साल बाद हो गया। पहला साल ही जो कमाए तो इनका पेमेंट पहला साल में कितना था 5000 रुपया, दूसरा साल में कितना हो गया 5200 हो गया 1996 में। ऐसे ही करते करते अगर देखा जाए तो 11 साल लग गया है 7000 होने में, कितना साल लग गया है ऐसे ही, पहला साल में इतना, दूसरा साल में बना लिए, तीसरा साल में 11 साल, मतलब पूरा का पूरा कितना लग गया 11 साल। तो आखिरकार बोला जा रहा है कि वो कौन सा सन ईस्वी होगा, तो यहाँ पे है 95, 96, 97, 98, तो 11 पे कौन सा होगा, या तो आप ऐसे काउंट करके निकाल लीजिए कौन सा ईस्वी होगा, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। टोटल क्या निकालना है, A11, तो A11 बराबर लिख दीजिए A प्लस 10 गो D। A कितना है, तो A है यहाँ पर पहला वाला 1995, यही ना है जी, पहला साल में, अब प्लस 10, हर साल को साल बढ़ रहा है, तो एक कहने साल ना बढ़ रहा है, यहाँ 95 के बाद 96, 96 का हर साल एक एक साल बढ़ रहा है, तो एक हो जाएगा, तो 1995 अब प्लस 10 से कम 10, तो टोटल मिला के 95 या 10 कितना हो जाएगा, तो 2005 हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाले साल में जो यहाँ पे हो रहा है 7000 रुपये बढ़ रहा है, ये 2005 में जा कर के 7000 रुपये इनका महीना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये समझ में आया होगा, 2005 आपका आंसर सही होगा, नहीं तो कैलकुलेट करके आप काउंट कीजिए ना, 95, 96, 97, 98, तो 11 नंबर पर कितना आएगा देख लीजिए, 2005 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बिना देर की हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन 5.2 का देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए एक चीज याद रखिए, मैथमेटिक्स जैसे ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद से एक मैराथन क्लास चलेगा, पूरे यूट्यूब के इतिहास में वैसा मैराथन क्लास आप कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 15 तक का पूरा बेसिक टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, तो मतलब कि आपके एग्जाम में उसमें से रहेगा ही रहेगा, यानी कि पूरा 95 नंबर एकदम। अगर कभी आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं और वो लास्ट वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो समझिए कि 95 प्लस 90 प्लस या 95 प्लस आप जरूर ला सकते हैं, अगर लास्ट वाला वीडियो को गौर से देखें और मन लगा के उसी वीडियो का तैयारी करें। तो एक चीज याद रखिएगा, लास्ट वीडियो आपके लिए मैराथन के रूप में आएगा, यानी पूरे मैथ का निचोड़ रहेगा उसमें, पहली बार आप मैथ का नोट्स देखेंगे। यहां समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेचारी एक यहाँ पे रामकली नाम की औरत है, रामकली नाम बहुत पुराना नाम हो गया ना जी, किसी वर्ष बेचारी
ये जो रामकली है किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचत की, मान लो कि रामकली बेचारी मेहनती है और वो रुपये तो कमा रही है, तो कमा रही है तो हर सप्ताह में पहला सप्ताह में 50 रुपया बचाइए। कितना रुपया बचाइए? 50 रुपया मान लीजिए कि गुल्लक में डाल दी, 50 रुपया इकट्ठा हो गया, लेकिन अब उसका 50 रुपया नहीं बच रहा है, अब खर्चा बढ़ गया है। अब हर सप्ताह में कितना कितना बच रहा है, तो साप्ताहिक बचत 17.05 रुपया, ठीक है, 50 समझ लीजिएगा, यानी 17.5 रुपया। बोलिए अब मान लो कि 50 रुपये एक बार बचा लिए, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, अब मान लो कि कबो 50 बचाएंगे कबो 49 बचाएंगे, उससे अच्छा एगो फिक्स कर ले कि हर सप्ताह किसी तरह हमको इतना बचा लेना है। तो हर सप्ताह वो क्या की कि 17.50 रुपया, यानी 17.5 रुपया बचाने लगे। तो इस सप्ताह बचाइए कितना? 5। अगले सप्ताह कितना बचाएगी? तो 17.50, यानी यहाँ पे 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो बताइए अगले सप्ताह में उसके पास कितना रुपया हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा उसका 50 पहले से था और 17.05। फिर अगली बार कितना हो जाएगा? 50 तो था ही, हर बार कितना कितना बचा रही है? इतना बचा है, तो अब बचाएगी 17 रुपया, फिर 5 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50, ये जोड़िएगा तो कितना होगा? 50 10 60 10 67.5, ये जोड़िएगा तो कितना होगा? 50 17.5 और 17.5, 17 34 1 35 हो जा रहा है। 35 और 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 85। कितना हो जाएगा? 85। और डॉट डॉट करते लास्ट में बेचारी वह कितना रुपये बचाई है? 207.50, इतना रुपये वो बचाइए। आपको इस समझ में आया होगा कि पहले सप्ताह हमें कर रुपये बचाइए 50 रुपये, उसके बाद से हमेशा वो कितना कितना बचा रही है? 17.5 रुपये वो बढ़ाते जा रही है। यहाँ पे इतना था, फिर इसमें 17.5, फिर इसमें 17.5, ऐसे करते करते लास्ट में उसके पास पैसा 207.50 हो गया, ठीक है। तो बताइए कि कितना दिन में इतना रुपये, कितना सप्ताह में वो 207.50 इतना रुपये उसके पास हो गया है, यानी कि एन का मान निकालना है, ए एन दे दिया। तो पहला वाला हो गया ए बराबर 50, दूसरा डी बराबर कितना हो गया? घटाइएगा तो हो जाएगा 17.5। ए एन बराबर कितना हो गया? 207.50, एन निकाल देना है। तो यही फॉर्मूला लगाइए ना ए एन का, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 207.50 प्लस ए हो जाएगा 50 प्लस एन नहीं पता है और डी हो जाएगा 17.5। 207.50 बराबर 50 प्लस ये गुणा होगा तो हो जाएगा 17.5 एन माइनस 17.5, ठीक है। यहाँ पे ये हो जा रहा है, इसमें भी गुणा किए, इसमें भी गुणा किए, ये हो गया 207.50 बराबर 50 में से 17.5 घटा लीजिए। तो ये दोनों को घटाइएगा तो कितना होगा? जब 50 में से आप घटाइएगा कितना? 17.5, तो ये हो जाएगा इसमें से 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये आपका हो जाएगा कितना? 4 में से 1 जाएगा 3, 32.5 होगा, 32.5। अब प्लस में हो जाएगा 17.5 एन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 207.50 माइनस 32.5 बराबर में 17.5 एन। ये घटाइए इसको, तो 207.50 में से आप घटाइएगा 32.50, अपने से लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 10 में से आपका 3 जा रहा है तो 10 में से 3 9 हो जाएगा, नहीं 10 है, ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा 1। टोटल मिला के आपका आएगा 175.00 और बराबर में 17.5 एन। पॉइंट के बाद से जीरो का वैल्यू ना होता है, इसको बट्टा में भेजिएगा, 17.5 बट्टा 17, ये हो जाएगा आपका 175 17.5 बराबर एन। इसको कटाने के बाद 17.17 यानी 175 और बट्टा में कितना? 17.5, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू में एन, और 17.50 बराबर ये आपका हो जाएगा 175, ये कटेगा कितना? 10 बार में, एन बराबर आपका कितना आ गया? 10 आ गया, एन का वैल्यू आप पूर्ण रूप से 10 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।